Niente. तो यार आज हम फिर एक बार गांव में आ चुके वापस, लेकिन दरअसल हम अभी एग्जैक्ट गांव में नहीं है। हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा गांव से थोड़ा दूर है और वहां का नाम है कमोटा। तो आज यहां आने का मकसद ये है कि हम सबको पता है कि जो पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में देते हैं, लेकिन हमारे कर्मकांड की वजह से अभी ऐसा समय आ गया है जिससे कि ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी आ रही है। और चूंकि पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन की कमी पूरी करते हैं, तो हुआ यूँ कि यहाँ पर एक पेड़ बेचारा सूख गया था। अब सूखा पेड़ खड़ा रहे या उसको नीचे गिरा दिया जाए, वो एक जैसा है, उस पर ना तो पत्ती होगी ना कुछ हवा देने के लिए होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसको काट लिया जाए। और काटने के इस सिलसिले में उसको फिर हम धीरे धीरे घर ले जाएंगे आराम से। और अब चूंकि हम पहाड़ों में रहते हैं, तो पहाड़ों में तो आपको पता है कि ज़्यादातर काम चूल्हे पर होता है, मतलब जो आपका मैन मेड चूल्हा है। वैसे तो जो गैस सिलेंडर है वो भी मैन मेड है, लेकिन ट्रेडिशनल चूल्हे की अगर हम बात करें तो ज़्यादा काम उस पर ही होता है। आजकल लगभग हर घर में ही आपको गैस सिलेंडर भी देखने को मिल जाएगा, मगर भैया जो बात हमारे उस चूल्हे में रोटी पका कर खाने में है, वो गैस में कहाँ। तो यार कटिंग में थोड़ा भी डिले हो गया है। दरअसल हुआ यूं कि जो काटने वाली मशीन है उसमें पेट्रोल लगता था, लेकिन हमने गलती से डीजल ला दिया। तो भैया देखो, पेट्रोल और डीजल में तो फर्क है ना, ये मशीन भी जानती है। तो वो डीजल से नहीं चलेगी, पेट्रोल से ही चलेगी। अभी शिलाई में हमने संपर्क साध दिया है, वहाँ से अभी कोई ना कोई लेकर के आ जाएगा पेट्रोल। तब तक हमारे पास काम काफ़ी है करने को, इससे पहले आ चुके थे और कुछ लकड़ी कटी हुई है यहाँ पर, तो हम लगाएंगे भारा। फिर इसके बाद इसको चकेंगे और ले जाएंगे ऊपर सीधा ओबरे में रखने के लिए बढ़िया से। तो यहाँ से शुरू करते, फिर जरा जब तक हम कटिंग तक पहुँचेंगे फिर कटिंग का भी थोड़ा नज़ारा लेंगे कि कैसे मशीन काट रही है और क्या सुविधा है उसकी। मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा है। पहले तो लोग हाथ से ही, हाथ में जो आपके सॉ वगैरह होती है ना बड़ी बड़ी, जिसको हम आरा या रेत बोलते कुछ ऐसा, तो उससे तो काफ़ी टाइम भी लग जाता था और बंदे की तो खूब कसरत हो जाती थी, लेकिन अब मशीन ने थोड़ा काम हल्का कर दिया है। ये है भैया छोटी सी छान, छोटा सा मकान। अरे कुछ हल्का फुल्का सा गांव दिख रहा है। और ये पीछे छोटा सा स्कूटर पहुंच गया यहाँ पर, मतलब इतनी भयंकर, ये मिनी स्कूटर ठीक उसी तरह की आवाज मारा जैसे स्कूटर मारता ना। ये देखो भाई, देख रहे हो आप चमत्कार। तो भैया ये है सुविधा है, मतलब ये इंसान ने काफी बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन बेचारा तरक्की के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा काम भी कर रहा है। तो ये सूखे हुए से कुछ पेड़ थे और हम इनको आज
शहीद नहीं करेंगे बेचारे, क्योंकि ये तो पहले ही शहीद हो चुके हैं। तो हम इनका कटम कटाई करके इनको धीरे धीरे से घर ले जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहीं पर रखेंगे ऊपर स्टोर करके। फारिक हो गए भैया लोग, और उसके बाद तो थोड़ा रेस्ट तो बनता है यार। मतलब थे सुनो ना, वो ही पढ़ बे सुनो, अभी थोड़ा सा आराम फरमा रहे ये वही वीडियो का मन तो लो रहा है घाट होता ना ना बढ़िया है मतलब। हाँ और ना ठीक है जो क्या हो रहा है ठीक ना कहाँ बनो है जो तेल पानो पेट्रोल भी नहीं था ना, वो गलत आ गया था, तो हमने पेट्रोल भी ला दिया और अपनी ग्रीसिंग भी कर दी थोड़ी। अब एक शिफ्ट और लगाएंगे हैं। हाँ चल वे वे। और ये हमारी ट्रेडिशनल खिड़की है, ये मतलब पहाड़ी भाषा में इसको टोकोड़ी बोलेंगे। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। तो भैया ये आनंद है, मतलब काफ़ी बहुत पुराना यार ये ना, इसका कोई नो देर इज नो रेनोवेशन स्कोप फॉर दिस। तंबू ये देखो अंदर आप, मतलब ठीक रखा हुआ इन्होंने, बढ़िया केयर कर रही इसकी बेचारे टाइम टाइम पे। और मेरे साथी हूँ, फाइनली हम वापस आ गए हैं घर पे, और अभी हम नहा धो के एकदम फ्रेश होके टपक पड़े हैं। और भैया आज के दिन भर की जो कसरत हुई है ना, वही हुई हुई मतलब नेक्स्ट लेवल। और ये है हमारा हार्डकोर जिम, तो इतना पसीना बहा है कि मज़ा आ गया एक तरह से। हालांकि असली मज़ा तो अभी सो के आएगा, लेकिन सुबह जो हालत होगी ना उठ के, वो तो अब सुबह ही पता चलेगी कैसा होगी। और अब खाने का समय हो चुका है, तो हम डिनर करते हैं बढ़िया से। और हाँ, पहाड़ी भाषा में डिनर को जो है ब्याले बोलो, ब्याले समझ रहे हो? हाँ, तो ब्याली बोला जाता है दरअसल डिनर को पहाड़ी में। इससे पहले कि हम खाना खाएं और सो जाएं, आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगली वीडियो में फिर मिलने की उम्मीद से मैं लेता हूं आपसे विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय हिमाचल।